ओम श्री परमात्मने नमः। समस्त हरे कृष्ण हरि बोल। आज सबुदिन भली गीता न्यास पढ़ा तापर भगवद गीता पढ़ा सका मंगल आरती परे भगवान श्रृंगार आरती है। वर्तमान सका सका आम सब गीता पढ़ा उचित गीता पढ़ा पूर्व प्रथम समस्ते आम गीता न्यास पढ़ा उचित गीता न्यास पर गीता पढ़ा गीतार किसी श्लोक पढ़ा अनुवाद तार भावार्थ पढ़ी बुझा चेष्टा करवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवद गीता एवं विष्णु सहस्र नाम सहिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम परमात्मने नमः। अथ करण्यासः। ओम अस्य श्री भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप छंद श्रीकृष्ण परमात्मा देवता सुचन्य सोजस्व प्रज्ञा वादस्य भाषते बीज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजति शक्तिः अहं त्वां सर्वपापेभ्यं मुक्षयिष्यामि मा शुचो इति क्लकं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इत्युङ्गिष्टेभ्यं नमः न चैनं ग्लेदुयन्तप्य न शोषो इति मारुतति तर्जन्यभ्यं नमः अच्युतोऽयं दायोऽयं ग्लेदु अश्वस्यैव च इति मध्यमाभ्यं नमः नित्य सर्वगत हस्तानुरुचुलोयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः। पश्यामि पार्थ रूपाणि सतोषो अथ सहस्र सिद्धि कनिष्ठाकाभ्यां नमः। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च इति करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः इति करण्यासः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति हृदयाय नमः न चैनं ग्लेदुयन्तप्यो न शोषो इति मारुदिति शिरसि स्वाहा अच्युतोऽयं दायोऽयं ग्लेदु अश्वस्यैव च इति शिक्षाय वषट् नित्य सर्वगतः स्थाणुरचोळोऽयं सनातन इति कवचाय हुम। पश्यामि पार्थ रूपाणि सतोषो अथ सहस्र सीति नेत्रत्रयात् वषट् नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिं चैत्रि अस्त्रिय फट श्रीकृष्ण प्रत्याथे पाठे विनियोगः। ओम पार्थाय प्रतिपदितां भगवत नारायणं स्वयं व्यासेन रथितां पुराण मुनिनं मध्य महाभारतं अद्वैतमतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं मम त्वामनुसन्धावि भगवद्गीते भव्ये दशिणीं नमोस्ते ते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दायतपत्रनेत्र जेन त्वयं भारततैलपुण्यं प्रज्वलित ज्ञानमय प्रतिपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रीकप्राणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विश्वद्रोणतट जगदतजलगन्धारनिलोत्पल शल्यग्रहावति कृपेण वहनी कर्णेन बेळाकुळ अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिनि स्वतिनां खलु पाण्डवी रणनदी कैवर्तकः केशवः परसर्ज्य वचुः सरोजममलं गीतार्थगन्धोक्तकं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनावतितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारतपङ्कजं कलिमलपद्युंसिंह श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयते गिरिं यत्कृपात् तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ गीता महात्म्यं गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं च पठेत् प्रजतः पुमान् विष्णुपदवाप्नोति भयसुखार्दिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलोनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसी स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्याक्यमने शास्त्रविस्तरे जास्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृताः भारता मृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। हरि बोलो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थोवश्च सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एक मंत्रस्तस्य नामानि जानी कर्म पेक्यं तस्य देवस्य सेवा। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकांतं गमलनयनं ज्योतिर्विद्यानगम्य वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेक्यनाथं ज ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तोनन्ति दैवीस्तैवि वैदी संगप्रदकमनुषद दैगायन्ति ज सामगाः ध्यानवस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति ज जोगिनं चस्यान्तं न विदुः सुरासुरागणा देवाय तस्मै नमः पृष्टात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
अथ गुणत्रय विभाग योग अथ नवम चतुर्दश अध्याय श्लोक नंबर 9 आज पाठ करिबा। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युते। यार अनुवाद हला सत्व गुण व्यक्ति को सुखरे बांधे। सत्व गुण सुख को सॉरी सत्व गुण व्यक्ति को सुखरे बांधे, रजोगुण कर्म फलरे बांधे, एवं तम गुण पगलामी बांधे। भगवान कहते यार भावार्थ है जेपरी जड़े दार्शनिक वैज्ञानिक किंवा शिक्षक एक निर्दिष्ट ज्ञान भूमिकार निजुक्त हो कर्म संतोष लाभ करती, ठीक से हीपरी सत्वगुणी व्यक्ति कर्म कि सत्वगुणानुशीलन संतुष्ट होती। एक रजोगुणी व्यक्ति एवं सत्वगुणी व्यक्ति सकाम कर्म निजुक्त हो पारती, से जिते पारती से भौतिक संपत्तिर अधिकारी हो पारती एवं महत उद्देश्य ता खर्च कर पारती। सकाम कर्म निष्काम कर्म से भली हुए बेले बेले से चिकित्सालय खोलिबा को चेष्टा करती, दातव्य अनुष्ठान मान को किसी दान करने इच्छा करती। यू हे लक्षण जो थ्रु जना पड़े जे व्यक्ति रजगुणाधीन अटे। पुनश्चह तम गुण ज्ञान को आवृत कर पकाए। तम गुणाधीन हो व्यक्ति जहा कै निज पक्ष कि पक्ष मंगलजनक नुहे। श्लोक नंबर 10 रजस्थ मत्साभिभूय तत्त्वं भवति भारतः रजः सत्त्वः तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्थता। शब्दानुवाद अनुवाद पढ़िबा। हे भरतपुत्र अर्जुन बेले बेले रजगुण सत्वगुण को दबाई दे अधिक शक्तिशाली होई उठे एवं बेले बेले सत्वगुण रजगुण को हराई दिए एवं यही समय तम गुण और सत्वगुण रजगुण को दबाई दिए। यहीपरी प्रतिष्ठा लाभ करने निमित्त बराबर गुण मान प्रतिजोगिता लगि रही थाए। यार भावार्थ है जिते बड़े रजगुण अधिक शक्तिशाली हो उठे से सत्वगुण और तम गुण निष्प्रभ हो पड़ती जिते बड़े सत्वगुण अधिक शक्तिशाली हो उठे से रजगुण और तम गुण पराजित हो जाती, जिते बड़े तम गुण अधिक शक्तिशाली हो उठे से रजगुण और सत्वगुण पराजित हो जाती। ये प्रतिजोगिता बराबर चली थाए। तेणु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना मार्ग अग्रगति करने को इच्छा करे से यही त्रिगुण को अतिक्रम करने उचित। त्रिगुणातीत नहले सत्वगुण रे भी आपण इंद्रिय तृप्ति रहे। सत्वगुण तम गुण रजगुण ये तीनोटी जाक गुण इंद्रिय तृप्ति रे भागीदार हूँ, तो से त्रिगुणातीत हेले ही माने किसी शरणागति हेले ही आपण कृष्ण भावना भावित तो हेबे जोड़ा कि आमर मुख्य प्राप्ति रे साहाज्य कर। रजगुण तम गुण सत्वगुण भी इंद्रिय तृप्तिर कारण बोली दर्शा जाऊँगी। हेले एम पढ़ा तापर ए प्रतिजोगिता बराबर चली थाए। तेणु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना मार्ग अग्रगति करने को इच्छा कै से तीन गुण को अतिक्रम करने को पड़ो। सत्वगुण को मध्य अतिक्रम करने को पड़ो। गोटे कथा मन पड़ी मन पड़नी कथा हूँ कौन व्यक्तिर व्यवहार कार्यावली और खाद्य आदि कौन से एक निर्दिष्ट गुणर आधिक्य प्रकटित हुए परवर्त अध्याय मानक यू वर्णना होदि कहीं इच्छा करे ताहले से अभ्यासवशतः सत्वगुण को बुद्धि करिपारे एवं ताफल से रजगुण और तमगुण को परास्त करिपारे। ठीक से हीपरी व्यक्ति रजगुण वृद्धि कर सत्वगुण तमगुण को परास्त करिपारे किंवा व्यक्ति तमगुण वृद्धि कराईपे और सत्वगुण और रजगुण को परास्त कराईपे। जदि भूत प्रकृतिर तीन गुण रही तथापि जदि कौन सी व्यक्ति इच्छा करे बा स्थिर निश्चित हुए ताहले से सत्वगुण लाभ करिपे बा सत्वगुण में अवस्थान कर आशीर्वाद पाईपे एवं क्रमे से सत्वगुण को अतिक्रम कर शुद्ध सत्वर अवस्थान करिपे। ये अवस्था को वासुदेव अवस्था कहुए। व्यक्ति यही अवस्था भगवत विज्ञान को बुझिपे माने सत्वगुण ठू आ गोटे ऊपर को आ गोटे गुण अच्छे जोड़ा हूँ शुद्ध सत्वगुण माने भेज प्योर भेज भेगान जमी आमर अच्छी। हाँ व्यक्ति यही अवस्था भगवत विज्ञान को ही बुझिपार निजर स्वरूप को अनुभव कर निजर लक्ष्य कौन जापर जीवन लक्ष्य को हासिल करने साधनारत हम यही सब जिनस आपणकर सत्वगुण टू शुद्ध सत्वगुण अवस्था को उन्नीत हेले अवस्था आपणकर मनोभाव हम। व्यक्तिर कार्यावली जना जाए जे व्यक्ति के गुण में अवस्थान करुच्छी। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम जदा तदा विद्यात् विब्रूधम सत्वमित्वत्।
शब्द आमर अनुवाद जेतेबेले एही शरीरर समस्त द्वार ज्ञान लोकर उपभासित हुए सेतेबेले सत्वगुणर प्रकाश अनुभव करा जाए। शरीर रे नौटी द्वार थाए अनुवाद भावार्थ जथा दुईटी आखि दुईटी कान दुईटी नाकपुड़ा पाटी मूत्र द्वार एवं मल द्वार जेतेबेले प्रत्येक द्वार रे सत्वगुण प्रकाशित हुए सेतेबेले बुझिबा उचित जे व्यक्तिर सत्वगुण वृद्धि पाई अछि। व्यक्ति सत्वगुण अवस्थान कले से सब जिनिष परिष्कार भाव जानि पारे से सब ठीक रकम सुनि पारे एवं सब ठीक रकम चाखि पारे। व्यक्ति अंतर बही सूची बा पवित्र हो जाए। प्रत्येक द्वार रे सुखर लक्षण प्रकाशित हुए एवं सत्वगुणर स्थान हुए स्थान एवं ताहा सत्वगुणर स्थान अटे। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम सम स्पृहा रज्जस्युतानि जायन्ते विभ्रूदे भरत भरतर सर्व। हे भरत श्रेष्ठ जेतेबेले रजगुणर आधिक्य हुए सेतेबेले अधिक शक्ति अधिक आसक्ति अद्यम कामना आकांक्षा एवं विराट प्रचेष्टार लक्षण मान प्रकाश पाए। जो व्यक्ति ठारे रजगुणर आधिक्य हो जाए से प्राप्त होइथिबा अवस्था रे केबे हेले संतुष्ट हुए नहीं जहाँ भी थिले मते संतुष्ट हुए ना आम किंतु जहाँ भी अच्छे संतुष्ट होगा उचित कारण आम जहाँ भी अधिक आशा करते से अधिक अधिक अवस्था को गलापर पुणी अधिकर आशा आउ थे पुणी जन्मेब से जहाँ भी अच्छे से खुशी होगाटा ही बुद्धिमान काम नमें जदि आम मन कर आम पास 100 टंका अच्छी 200 टंका आशा रखिथिबा 200 टंका जगह को पड़े आम 300 टंका आशा आरंभ हो 400-300 टंका जगह को पड़े 400 टंका आशा आरंभ हो तो आशा असुमारी ये आरो ये के समाप्त ना तो से जहाँ अच्छे से खुशी होगापी गीता आमको उपदेश दे व्यक्ति रजगुण आधिक्य होता है से प्राप्त होता अवस्था केवल संतुष्ट हुए ना रजगुण अधिक ये अवस्था हे से तार अवस्थार उन्नति निमित्त अद्यम चेष्टा कै जदि से एक बासगृह निर्माण करने को इच्छा करे ताहले से एक अति सुंदर सर्व उत्कृष्ट प्रासाद निर्माण करने को चेष्टा करे सते जेपरी से चिरंतन भाव में बास कर पुनश्च इंद्रिय सुख लाभ करने से मध्य विराट चेष्टा करे। इंद्रिय सुखर अंत ना जमी कहते जे इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय सुख आशा हूँ असुमार यार समाप्त ना ये मृत्यु पर जिते थर जन्म हेल्ले से ही जिनसटे ही सी भ्रमित हो घर तो घर पुणी बड़ घर पुणी आउ बड़ घर अट्टालिका प्रसाद बंगला तापर आपणकर कौन भिला तापर आकाश चुंबी प्रसाद से ही चली चली भितर सी बुड़ी रहिबो रजगुणर प्राधान्य अधिक हेले ये कथाटा ये कहुई इंद्रिय सुखर अंत ना से आउ इंद्रिय सुख ही दुर्गतिर कारण ये जो आम शरीर जो ये लिखाला नौटी द्वार अच्छी बाकी 10 इंद्रिय अच्छी पंच इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय पंचकर्म इंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय ये सब ज्ञान इंद्रिय जाक आम कौन करे ये जो पार्थिव सुख से सब लगे दूचे जोटा कि दुर्गतिर कारण आउ थे जोटा कि आमको आउ थे जोनि ग्रहण करने को मिले पुनर्जन्म हुए से आमर गति यही अनुसार निर्धारित हो जाए। आम जदि यो मनीष हूँ दुर्लभ कितु दुर्लभता को सी अनुभव करें से आमर ये अवस्था माने आमर ये इंद्रिय जाक अच्छी या भगवान को सेवारे ही लगे उद्दिष्ट आमर निजर शारीरिक खुशीपी इंद्रिय तृप्तिपी ये सब इंद्रिय मान उपयोग करवा उचित नुहे। इंद्रिय सुखर अंत ना सी चली थी से सर्वदा ता गृह पर सहित रही इंद्रिय सुख भोग मजी रहा इच्छा कै यार विराम ना ये सब लक्षण रजगुण लक्षण वाली लक्षण मान बोली बुझा पड़ो जमी आमर चारिटा आश्रम गृहस्थ मानकर जमी कौन ब्रह्मचर्य तापर कौन गृहस्थ ग्राह्य मान ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानप्रस्थ सन्यास हेले आम ब्रह्मचर्य समय गला गृहस्थ समय गला आमर 100 वर्ष जो जीवनटा को हम तक चारि भाग विभक्त करके चारिटी आश्रम को विभक्त करा जाए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करिया कथा गृहस्थ होगा पूर्व यह सब ज्ञान आम आगु आम समस्ते ज्ञान को ज्ञान विषय अवगत होगा कथा तापर गृहस्थ होगा संतान उत्पत्ति निमित्त ही मैथुन करवा आवश्यक ये सब पादिन जदि आम अभ्यास करवा आम जीवन गोटे सुखमय हो पार आमको ज्ञान अभाव जो आम आजिकल ये सब जिन जापना आम हिंदू धर्म सनातन धर्म में बहुत सुंदर सुंदर तत्व अच्छी
ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ଆସିବ ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏକାବନ ମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରାଯିବ। ମାନେ କେତେବେଳେ ନା ଏକାବନ ହୋଇଗଲେ ପଚାଶ ଡେଇଁଗଲେ ମାନେ ପଚିଶ 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 ଚାରିଟା ପଚିଶରେ ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମକୁ ଚାରିଟା ସ୍ତରକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପଚାଶ ଡେଇଁଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲା ଏକାବନ। ଯେତେବେଳେ ଏକାବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏକା ଏକା ବନକୁ ପଳାଇବା କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବନରେ ଯାଇକି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିକି ସେଠି ଭଗବତ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରତ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିନେ, ଆମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇକି ରହୁଛେ। ଏସବୁ ତ ଏହାର ବିରାମ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରଜଗୁଣର ଲକ୍ଷଣମାନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ତେର ଅଧ୍ୟାୟ ଚଉଦ। ଅପ୍ରକାଶୋ ଅବୃତ୍ତିଶ୍ଚ ପ୍ରମାଦୋ ମୋହ ଏବଚ ତମସ୍ୟ ତାନି ଜାୟନ୍ତେ ବିଭୃତେ କୁରୁନନ୍ଦନ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ଏତିକିରେ ରଖିଦେବା। ପୁଣି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହି ସିରିଜ୍ ରଖିବା, ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏହି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ, ଆଉ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ସିଏ ଚାକିରି କରେ, କୌଣସି ଅଲଗା ଧର୍ମ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଚାକିରି କରେ, ତାକୁ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଜୀବନରେ ତ ହୋଇଗଲା, ପଳେଇଗଲା ସମୟ ଜାଣି ହେଲାନି, ତଥାପି ଏବେ ଭଗବାନ କୃପା ହେଲା। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ହେଉଛି କୃପା ସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ। ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ କୃପା କରିବି ସିଏ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବ। କୃପା ସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜୀବର ଅତୀତ ଜାଣିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜୀବ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୃପା କରିବି ସେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃପା ଏବେ ହେଲା, ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମୃତରେ ଭାବିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶିଷ କୃପା ବୋଲି ଅଶେଷ କୃପା ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ତ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଜାଣିପାରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସଫଳ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରରୁ ହଟିବା, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇଟା ଶେଷ ଶରୀର ହେବା ଉଚିତ, ଏହାପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଇଟାରେ ହିଁ ସଫଳତା। କାହିଁକିନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଉଛେ, ଆମେ ଗଲା ଥରେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ଆମକୁ ଅଲଗା ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଅଲଗା ମିଳିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସନ୍ତାରେ ଅଲଗା ମିଳିବେ। ହଁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୌକା। ବହୁ ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମଣିଷ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ମିଳିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏଇ ଦୁର୍ଲଭତାଟାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବି ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଗଡ଼ବଡ଼। ଆମର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାର ନିୟମ, ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ, ସେଠି ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଚାର ନିୟମ, ମାନେ ଚାରିଟା ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ମଣିଷ ପଶୁ ସ୍ତରରୁ ମଣିଷ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଭକ୍ତ ହେବ, ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବ ହେବ, ତାପରେ ଅଛି ସବୁ ବହୁତ ସ୍ତର, ସେହି ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ମଣିଷର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ଚାରି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେମିତିକି ଚାରି ନିୟମରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଉଛି, ନୋ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ। ନୋ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଶା ପାନ କରିବାକୁ ହେବନି, ପାନ ବିଡ଼ି ଗୁଟ୍ଖା ମଦ ଯାହା ବି ଅଛି କରିବାକୁ ହେବନି। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା, ନୋ ଗେମ୍ବଲିଂ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଆ ଦ୍ୱେତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ହେବନି। ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା, ନୋ ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାକୁ ହେବନି। ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ନିଜ ବିବାହିତ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ କରିବ, ବୈବାହିତ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବନି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ, ତାପରେ ଆସିଗଲା ନୋ ମିଟ୍ ଇଟିଂ। ନୋ ମିଟ୍ ଇଟିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବ ହତ୍ୟା ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଖାଇକି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି କରିବାକୁ ହେବନି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଯେତିକି ହେଉଛି ତା'ର ଦଶ ଗୁଣ ପାପ ସେପଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ହେଲା।
तो एथिरे कोन हबो दया क्षमा आपनकर कमी जीवो। तो ए चारिटा स्तंभ को आमे जदि आपर भलोरे गोटे डिटेल भिडियो बनेबा करिबा या पर परे तो समस्ते आमर ए प्रयास को शेयर करंतु समस्त संगे आपण जानिबा संगे संगे आपनकर जो माने अछंती संगो साथी समस्ते जानिबे आ निज जीवन को आमे समय सब किछि करिबा रोजगार करिबा पेट पोसिबा एटा एटा को कोनसी जगह मना नै भगवान निजे गीतार कहिछन्ति। तो शरीर निर्वाह करिया पे आमे निष्काम कर्म करिकि हि करिया तापर आमे डिटेल रे कथा हबा। तो आज पई एतिकि समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देई वीडियो को आज एई शेष पर्यंत देखिया पई। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल।